जय जैन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मोमोज। मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया हुआ है, ग्राम में देखें तो 150 ग्राम लिया है। सबसे पहले इसका आटा लगा लेंगे। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिला लेंगे। वैसे तो मोमोज में मोयन नहीं दिया जाता है, पर मैं इसमें थोड़ा सा जमने वाला देसी घी का मोयन दे रही हूँ। ये मैंने इसमें मोयन दिया है। इसका आटा बहुत कड़ा गूंथना पड़ता है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं देसी घी और डाल रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छा कड़ा सा गूंथ लूँगी। इतना कड़ा गूंथा जाता है कि इसमें अलग से आटा नहीं लगाते हैं, उसी उसी में कड़ेपन में ही बेलते हैं। ये देखिए, हमारा मैदे का ये डो तैयार हो गया है मोमोज के लिए। एक प्रकार से ये आटा इतना कड़ा होता है, जैसे अपन गुजिया बनाते हैं ना, उस टाइप का ये कड़ा होता है ये। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कपड़े में ढककर रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पे, इसको ऑन कर दे रही हूँ। ठंड के दिन में पत्ता गोभी में ज़्यादा मॉइस्ट होता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी। अभी पत्ता गोभी सिर्फ डाली है, ये देखिए पानी आने लगता है इसमें। ये देखिए, आवाज़ सी हो रही ना थोड़ी थोड़ी, इसमें पानी है। ये थोड़ी सा ड्राई हो जाता है तब मोमोज खूब अच्छे आते हैं। अब मैं इसमें धीरे धीरे ये प्याज डाल रही हूँ। ये सब हरी वाली प्याज डाल रही हूँ, गाजर डाल रही हूँ और ये अदरक और ये लहसुन डाल दूँगी। अब इसको खूब अच्छे से सूखा अभी भूनेंगे। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, सिका हुआ जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा बटर डाल देंगे। अब इसको खूब अच्छे से थोड़ी सी भुजने देंगे, सिकने देंगे। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से सिक गया है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको निकाल के ठंडा होने रख दे रही हूँ। इसको पलट दे रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब मैं आटे की तरफ चल रही हूँ। ये देखिए, हमारा आटा बढ़िया सेट हो गया है।
अब मैं इसको पटे में निकाल लूंगी। ये देखिए, कितना बढ़िया कड़ा कड़ा है। अब मैं इसकी पहले तो इसको दो भाग कर लेंगे। इसको थोड़ी अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ताकि एक सी बराबर बॉल बने। ये देखिए, अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए, मेरे डो की लोइयां बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको छोटी छोटी बेल लूंगी। देखिए, इस तरह मैं गोल गोल पहले बेल कर रख लूँगी, फिर बाद में मसाला भरूँगी। ये देखिए, मैंने छोटी छोटी लोइयों को बेल लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको इसमें भरना बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है और स्लो फ्लेम में गर्म होने रख दी है। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं इसको किनारे तरफ पानी लगा लूँगी ये, और इसकी छोटी छोटी प्लेट बनाते हुए एक के पीछे एक करती जाऊँगी। ये, और इस तरफ भी ऐसे। ये देखिए, इसको भी दूसरे शेप का बनाऊंगी। चारों तरफ इसमें पानी लगा लेते हैं। ये देखिए, किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसी प्रकार मैं एक दो शेप में करके पूरी मोमोज बना लूंगी, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। बाज़ार में प्राय इसी शेप के बनते, मैंने ये दो तीन शेप अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पर मेरी कढ़ाई हो गई है, इनको स्लो फ्लेम में डालते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें इनको स्लो फ्लेम में ही सेकते हैं, नहीं तो अंदर कच्चे से रह जाते हैं। ये देखिए, हमारे मोमोज बन गए हैं। अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ। इसको टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल इसमें आ जाए।
ये देखिए मैं दूसरा बैच भी इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल स्लो फ्लेम में। इनको स्लो फ्लेम में ही सेकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। इसको साइड में करने से एक्स्ट्रा तेल निकल जाता है। ये देखिए ये देखिए मेरे दोनों बैच बन गए हैं। अब मैं इनको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए बाहर से कितने हार्ड हैं, अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट हैं। और इसको बढ़िया हरी चटनी केचप के साथ लीजिए। आप भी मेरे अनुसार बनाइए और हल्का सा मोन दे दीजिए तो इसमें कुरकुरापन खूब बढ़िया आता है। आप भी मेरी रेसिपी को मेरे अनुसार बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।